साल का स्वागत करने के लिए माल, पब, रेस्टोरेंट और होटल्स में खास प्रोग्राम करवाए गए। सिंगर्स लाइव बैंड ने भी अपने ही अंदाज में लोगों को एंटरटेन किया और लुधियाना वासियों ने भी पूरे जोश के साथ इस जश्न में हिस्सा लिया और 2017 की आखिरी शाम को यादगार बनाया। दूसरी तरफ मनकीरत औलख ने भी अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन किया। लुधियाना में आज मनकीरत औलख अपने अदाओं से जो है कहीं ना कहीं गायकी के अंदाज से जो है जलवे बिखेरने जा रहे हैं। आज जहां लुधियाना के ओल्ड स्कूल जो सराबा नगर में है वहां पर ये सारा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर नए साल को लेकर जो तैयारियां की गई हैं लुधियाना के ओल्ड स्कूल में, जहां पर आज मनकीरत औलख आ रहे हैं जी, मनकीरत औलख का शो करा रहे हैं जी। साडे वालों पूरी वधिया तैयारी आ, जिन्हें भी गैसट आ कंफर्टेबल रहन, फूड की वधिया तैयारी है जी, पूरा इंजॉय कर रहे हैं, सेफ्टी भी पूरी असी रखी हैगी आ, भी जेड़ा इत्थे अंदर आऊगा पूरा इंजॉय करूगा। मनकीरत औलख ना जो कि बहुत ही फेमस सिंगर है, इस साल का बेस्ट प्राइज भी उन्हें लिया, होप सो कि वधिया होगा सारा कुछ। तो लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह नामी सिंगर है, रश भी काफी हो जाएगा, तो सिक्योरिटी की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी, सिर्फ कपल एंट्री आ, कोई स्टैग नहीं अलाउड हैगा, बड़ा डिसेंट क्राउड आ रहा, ਉਨੇ ਪੈਕ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਜ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੇ ਸਾਥ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।